गाइस गुड मॉर्निंग। और सुबह के 6 बज रहे हैं। किचन में तो काम चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और आज मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। आज का मौसम एकदम गजब हो रखा है। सुबह सुबह ही एकदम अंधेरा है और बारिश भी हो रही है, लाइट चली गई है। ये मौसम हो रखा है और एकदम बारिश झमाझम हो रही है, बस बंद हो जाए। लेकिन बहुत ही मतलब अच्छा फील आ रहा है, गुड फील। एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बिजली भी कड़क रही थी। अभी आपने देखा कि बिजली भी कड़क रही है। मैं डर की वजह से अंदर हो गई थी, अब मैं जा रही हूँ अपना काम करती हूँ। आवाज़ सुनिए, बिजली की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो ऐसे बादल दिखाती हुई देखिए, चलो बारिश हो रही है एकदम झमाझम। आई लव द रेन, बट मुझे कीचड़ पसंद नहीं है। और लाइट आ जाए बस, एकदम ठंडा ठंडा, बहुत मतलब ब्यूटीफुल सा मौसम हो रखा है कि आई फील वेरी रिफ्रेश। अगर लाइट आ जाएगी तो थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी और अच्छा लगेगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने काम वाम करके आपसे बाद में, ब्रेक के बाद। तो लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी सी रोशनी कम है। मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और नारियल पानी पी के सिर्फ मैं जाऊंगी। और ब्रेकफास्ट हम जो ले जा रहे हैं अपने स्कूल में ही करेंगे, तो फिर आपसे हम वही मिलेंगे। और यहाँ पे सब सामान मेरे पास काफी सारा हो गया। एक बार बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ कि इसको ले जाना थोड़ा मुश्किल है। ये तो 2 गिफ्ट हो गए हैं, इसमें खाने पीने का सामान, और मैंने अपना पर्स जानबूझ के छोटा कर लिया है जिससे कि और प्रॉब्लम ना आए, बस ये आराम से पहुंच जाए। Few moments. ये मेरे स्टूडेंट ने ये डेवलप कराया है। ये काफी मुझे दिल को बहुत ज्यादा खुशी देने वाला, बहुत ही अच्छा मतलब एक मोमेंट कैप्चर उसने हमेशा के लिए कराया, जो मेरे दिल को भी बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है। आराधना, ये लास्ट टाइम लास्ट वर्ड की थी ना, लास्ट में अभी अभी हाँ लास्ट में उसका अच्छी बार बार आई नहीं रही थी, फिर उसने इसको डेवलप भी करा दिस वॉज द प्रीशियस मोमेंट फॉर मी, वेरी प्रीशियस मोमेंट, मतलब जिसका कोई कंपैरिजन नहीं इस प्यार का। लास्ट में जर्नी अभी जैसे कष्ट होता है। अच्छा अभी हम बात बता रहे हैं ना, पता नहीं देखो मैं चलो दो शब्द बोलो, मैं दो शब्द कह रही हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कि उमा जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चों आप लोग भी सुनो ठीक है। मैडम जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि मैडम जा रही है ठीक। तो कहते नहीं है कि लाइफ में एक जो चक्र होता है उसके लिए ना कुछ गति होनी चाहिए ठीक। तो मैडम को अभी कष्ट भी हो रहा है, हम लोग को भी बहुत तकलीफ हो रही है। और अभी ऐसा लग हम ऐसा नहीं सोच पा रहे कि उमा सच में चली गई या चली जाएगी, मतलब ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपकी जो मैडम है क्या आप लोग भूल पाओगे? किसी के जाने से कोई ना किसी को भूलता है ना, तो उसकी कोई भी चीज एक भी बार के लिए ऐसा होता है कि वो आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हम उसको भूल जाते हैं। उसकी हर चीज याद आती है। और स्पेशली जब हम साथ रहते हैं तो कुछ खट्टी मीठे टकराव होते हैं, लेकिन जब हम दूर जाते हैं सिर्फ अच्छी ही बातें याद आती हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें याद आती हैं, मतलब और कुछ भी याद नहीं आता है। तो और एक चीज और है कि जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं भी अगर कहीं जब आई थी मुरादीपुर से तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, वो स्कूल वो बच्चे सब कुछ छोड़ के जाने में। लेकिन कहते नहीं है कि जब हम जहाँ जाते हैं हम याद तो करते हैं, थोड़े समय के बाद हम वहाँ पे रमने लग जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा दिल में भरी रहती हैं कूट कूट के। लेकिन हम वहाँ के माहौल को जैसे अभी लग रहा है ना कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अपना नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे हम उसको थोड़ा बहुत अपनाने लग जाते हैं। ये नहीं कहूंगी 100%, लेकिन थोड़ा बहुत अपनाने लग जाते हैं। और एक नई और मैडम के मानने की जो मैडम को एक नई शुरुआत मिले, बहुत अच्छा जाए। कहते नहीं है जो कभी रो नहीं बेटा, कभी कभी बदलाव जो बहुत अच्छे के लिए होता है। और ये जो बदलाव हो रहा है, ये मैडम ने जो भी स्टेप लिया है ये इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा साबित हो। ये खुद कहें कि ये मेरा बहुत जीवन का एक अच्छा कदम था जो मैंने ले लिया, बड़ी कष्ट से लिया, लेकिन अगर मैंने लिया तो मेरे जीवन में ये बहुत खुशियां लेके आया। वो बस इसी के साथ कि तुम्हें जीवन में ढेर सारी खुशियां मिले, तुम भूल जाओ, तुम सोचो कि मैंने एक जीवन में अच्छा कदम लिया। फतेहपुर जरूर आना। और बाकी तो यार देखो सब लोग ऐसा नहीं होता है कि खुशी कोई नहीं छोड़े कुछ भी, समझी? हर इंसान की अपनी ना अलग अलग होती है, पता किसी कोई जगह कभी ले ही नहीं सकता है।
अभी इग्नोरेंस थोड़ी नहीं गई है, है? अभी तो एक अभी तुम अभी हो, अभी हो। तो सेलिब्रेशन के बाद अगर चाउमीन खाने का टाइम तो हम लोग चाउमीन खा रहे हैं। चाउमीन बहुत ज्यादा यमी और बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, ठीक है। उमा कैसी बनी है चाउमीन? बहुत अच्छी बनी है। तो आज हमारी उमा की विदाई है। विदाई यानी कि ये हो रही है, क्या कहते हैं, विदाउट पे। तो अगर उसको अगर नई लाइफ में अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उमा वापस भी लौट के आ सकती है। तो उमा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग इसके लिए दो शब्द बोलेंगे, ठीक है। चलो हम तो यही कहेंगे अच्छे से रहो, हाँ। तो जीवन तुम्हारा इतना खुशियों से भर जाए, कभी भी तुम्हें अपने फैसले पे कोई पछतावा ना हो। बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि उसको ये लगे उमा को कि मेरे जीवन का ये सबसे अच्छा फैसला था कि जो हुआ। अब बोलेगी स्वीटी, स्वीटी दरवाजा बंद कर थोड़ा सा। हम लोग उमा के लिए यादें कैप्चर कर रहे हैं ताकि उमा जब भी वीडियो देखे तो उसको उमा को सब कुछ याद आए। तो हम सब लोग एक स्वर में कहना चाहते हैं, वी लव यू उमा, खुश रहो हमेशा। चलो बोल स्वीटी। किसी के जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो दिल से जा रहा है। नहीं, दिल से कभी कोई जाता नहीं है, यादों से कोई जाता नहीं है, ठीक है। और आंखों से ओझल होने का मतलब नहीं है कि वो चेहरा भूल जाता है। और मेरा तो हम जो दुनिया से चले जाते हैं उनका चेहरा नहीं भूल पाते। हम रोज बात करते हैं स्वीटी, हाँ। ना उसको एक लड़की रोज मिलती पूनम दीदी जैसे, बिल्कुल और हम दीदी इतना बांधे रहती है वो वैसे गोराई ना। और देखो ऐसे बस बैठी थी, एक कंगन एक चूड़ी, तो हम तो दुनिया से चले गए। पूनम दीदी कहीं ना कहीं हमने कहा ना, हर व्यक्ति अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छाप छाप छोड़, और जो अच्छा करता है इसके साथ वो तो भुला ही नहीं जा सकता। अब पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं, सबके साथ अच्छा। और हम अब कौन बोलेगा कि वो सबके साथ सबके साथ खाना मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है दीदी, ऐसा बनाते हैं सब लोग चुप रहो। अब उमा बोलेगी। उमा कैसा लग रहा है? बेकार तो लग रहा है, लेकिन आगे क्या सोचा है? वो तो देखोगी, लेकिन अच्छे से खुश मन के साथ देखना, खुशी से रहना, खुशी से सब कुछ करना, देखना तुम्हें सब कुछ। जितनी खुशियाँ तुमने यहाँ दी उतनी ही खुशियाँ वहाँ देना। सही, क्योंकि बच्चे इससे सबसे कम मारने वाली टीचर, शक्ल देखे, शक्ल देखे, बच्चे भी जाते हैं तभी बच्चे भी रो रहे हैं, तभी बच्चे रो रहे हैं, सबसे बोली सीधी प्यारी मैम, बच्चों के शब्द है। Eternity later. मौसी को फिर से लगाओ तो। थैंक यू। हम लोग कोई फोटो खींचेंगे यहाँ से लेना, तो जहाँ दीदी की बात पहले रिटायरमेंट किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हमारे एनपीआरसी के सारे नगीने यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 सब अपना अपना हाथ हिलाओ, सबके नाम नहीं बोल सकती हूँ मैं। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है हम लोग मिलकर इकट्ठे हो पाए, इसी बहाने सबसे मिल पाए, और सबसे बड़ी और संदीप भैया ने तो पूरी शादी का इंतजाम, बस विदाई की कमी है। इस विदाई में एक अंतर है, लड़कियाँ विदाओं के दूसरे घर जाती है, ये सर अपने घर जाएंगे, और वो भी मतलब क्या बात कही। चलो देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, अपना चेहरा खुद दिखाओ अजीमा। कोई तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा पाएगा, बनाओ। अब मैं फोटो लूंगी साबित हो गया ना, ये ससुराल जाएंगे सब लोग पाएंगे, बहुत जो है। अरे मैम ससुराल में कोई काम नहीं करता है, बहुत अच्छी है, बहुत काम करने वाली कोई नहीं कहता, ठीक है ना। आप लोग संदीप हमारे कैमरा मैन है, आइए।
चल वीडियो चल रहा है नहीं बैठे खड़े हो जाओ तो दूसरा खाए मैडम मैडम धन्यवाद ये संतुलन का सुंदर दृश्य है भाई साहब संतुलन का सुंदर दृश्य है बस इसको भाव चलो यार अपनी मैडम को दे दो एक बोतल ये रह गई शादी के बीच में आके आप लोग की मानसिक संतुलन का बैलेंस बनाया आप लोग लाओ अब एकदम अच्छे वाले मोबाइल से फोटो खींची जा रही है अभी तक मैं अपने से खींच रही थी तो हमारे सर आज रिटायर हो रहे हैं जगदीश सर तो जगदीश सर अपने दो शब्द सर आज आपको कैसा लगा लगा कि अफसोस हो रहा है अफसोस हो रहा है और सबके साथ आपको कैसा मतलब पूरा मतलब आपका कार्यकाल मतलब कैसा रहा ठीक रहा ठीक रहा कोई शिकायत विभाग से कुछ स्टाफ से नहीं और आज का कार्यक्रम जबरदस्त सबको मिस करेंगे सर सर हम लोग को भी करेंगे आया करेंगे है सर ठीक है ना कुछ बोलो मैं वीडियो बना रही हूँ सर के लिए दो शब्द अच्छे अच्छे बोलो सब लोग शुभकामनाएं दो दूरी कगार में आकर सर की रिटायरमेंट पार्टी पर बहुत शब्द सर का जो रिटायरमेंट वाला जो पीरियड है वो कार्यकाल वाले से भी अच्छा जाए सर को लगा ही ना कि सर रिटायर हुए हैं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट किसी छूट गई है तालियां बजाना भाई तालियां 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 तालियां